डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी आईसेक्ट पीजे और डीसे जून और जुलाई का यहाँ पे रिजल्ट जारी कर दिया है। तो रिजल्ट कैसे चेक करेंगे इस वीडियो में हम आपको पूरा कंप्लीट बताने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देन आपको कोई भी ब्राउजर ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आपको गूगल में लिखना होगा आईसेक्ट रिजल्ट। देखिए फ्रेंड, सेम इसी प्रकार से लिखना होगा जैसे हम यहाँ पर टाइप कर रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ से उसके बाद इसको हम सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद फ्रेंड इंटरफेस कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। इसको आप अपने मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप से ओपन कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा आईसेक्ट स्टूडेंट रिजल्ट सर्च करके। तो फ्रेंड क्या करना होगा, आपको यहीं पे क्लिक करना होगा या टच कर देंगे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो। चलिए फ्रेंड यहाँ पे हम टच कर देते हैं। टच करने के बाद दोस्तों इसका ऑफिशियल वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगा। चलिए यहाँ से लोडिंग हो रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड इसका ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस प्रकार आपको दिखाई देगा। चलिए ये देखिए इस प्रकार से। तो सबसे पहले फ्रेंड यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है यूनिवर्सिटी नेम। ये देखिए यहाँ पर लिखा है प्लीज़ सेलेक्ट, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ से आपको सीवी रमन कर लेना होगा। और ये देखिए यहाँ से आप देख लीजिएगा जो भी होगा आपका यहाँ से कर लेंगे। मेरा सीवी रमन है तो मैं सीवी रमन कर देता हूँ यहाँ से। और उसके बाद दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना होगा। जिस समय आपने एग्ज़ाम दिलाए थे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा, उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। तो फ्रेंड मैं सिक्योरिटी के लिए इसको मैं ब्लर कर देता हूँ। चलिए एक बार मैं चेक करके अच्छे से यहाँ पे डाल लेता हूँ। अगर आप भी सही से डालिए, अगर एक भी वर्ड मिस होगा तो आपका रिजल्ट शो नहीं करेगा। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे लिखा है डेट ऑफ बर्थडे, तो अपना जन्मदिन यहाँ पे डालेंगे। चलिए हम अपना जन्मदिन यहाँ से क्लिक करके पूरा एक करके हम डाल लेते हैं। चलिए यहाँ से कर लीजिएगा और जो भी आपका होगा आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से अपना मंथ सेलेक्ट कर लेना होगा, ओके कर दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ से अपना दिन सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद फ्रेंड आपको सेमेस्टर सेलेक्ट करना होगा, मेरा फर्स्ट फर्स्ट कर दूंगा। और उसके बाद सर्च रिजल्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहां से आपको प्रिंट स्टूडेंट रिजल्ट लिखा इस पर क्लिक करेंगे तो आपका रिजल्ट यहां पे शो करेगा। चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए इस प्रकार से आपका रिजल्ट शो करेगा। ये देखिए यहाँ पर शो कर रहे हैं आप कौन से विषय में कितना नंबर पाए हैं, ये सबको आपको यहाँ पर शो करेगा। आपका नाम, आपका पिताजी का नाम यहाँ पर शो करेगा, देख लीजिएगा अच्छे से। चलिए फ्रेंड हम इसी प्रकार से आपको दूसरे सेमेस्टर का दिखाते हैं। ये फर्स्ट सेमेस्टर का है, सेकंड सेमेस्टर का सेम प्रोसेस है। फ्रेंड एक बार और बता देते हैं आपको क्या करना होगा। यहाँ से आपका जो भी यूनिवर्सिटी होगा वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालेंगे। चलिए एक बार अच्छे से हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद फ्रेंड है डेट ऑफ बर्थडे डाल लेंगे, आपका जो भी बर्थडे डेट ऑफ बर्थडे होगा आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद सन कर लेंगे, उसके बाद मंथ सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपका दिन यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम टू सेमेस्टर कर देते हैं और उसके बाद सर्च रिजल्ट पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड हमारा रिजल्ट इस प्रकार आ जाएगा, यहाँ पे प्रिंट करके। और ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। और ये देखिए आपका रिजल्ट इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड मैंने पीजी डीसे का रिजल्ट निकाला है, तो आप इसी प्रकार से अपना डीसे का भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। अगर दोस्तों अगर आपको कैसे कैलकुलेट करना था हम बता देते हैं। डीसे का फ्रेंड मेरे को पता है कि आपको 13.50 से आप अपना रिजल्ट निकाल पाएंगे। और पीजी डीसे का मेरे को ज़्यादा पता नहीं है, मैं डीसे का जानता हूँ इसलिए मैं डीसे का बता दिया हम। बाकी दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों हम नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।